Norma frontalis. इसमें सबसे पहले ये नजर आ रही है frontal bone. Frontal bone जो है ना यहाँ पे articulate कर रही है nasal bone के साथ. तो ये जो suture बन रहा है, this is called as the frontonasal suture. और ये जो दो bones हैं, these are the nasal bones. और इनके दरमियान में ये वाला जो suture है, this is called as the internasal suture. ये वाला center में. और इंटरनेजल सूचर का ये जो टिप है, दिस टिप इज कॉल्ड एज द राइनियन. और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन फ्रंटोनेजल एंड इंटरनेजल सूचर, इस पॉइंट को हम कहते हैं नेजियन. ये बनाता है ब्रिज ऑफ द नोज. अगर इस तरफ से देखें तो फ्रंटल बोन यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रही है इस फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला के साथ. ये तो यहाँ पे जो सूचर बन रहा है इसको कहेंगे फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर. और नेजल बोन ये आर्टिकुलेट कर रही है इस सूचर के थ्रू फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला के साथ. ये सूचर होगा नेजो मैक्सिलरी सूचर, ये वाला. ये जो पॉइंट है, अच्छा ये जो एलिवेशन हैं दो, ये एलिवेशन और ये एलिवेशन, दीज आर कॉल्ड एज द सुपरसिलरी आर्चेस. और इनके दरमियान में ये जो एरिया है इसको कहते हैं ग्लाबेला. इन सुपरसिलरी आर्चेस से ऊपर एक और एमिनेंस ही नजर आ रही है, ये जो एलिवेशन है, इस एलिवेशन को कहते हैं फ्रंटल एमिनेंस, ये वाली. अगर नीचे आ जाए तो ये बोन आ गई मैक्सिला. मैक्सिला जो है इसकी ये आ गई बॉडी. मैक्सिला का ये आ गया फ्रंटल प्रोसेस, ये वाला आ गया जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये वाला आ गया एल्वियोलर प्रोसेस. और बेजेलिस में एक और प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं, वो बेजेलिस में देखेंगे. ये जो इस फोरामेन है, दिस इज कॉल्ड एज द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ये वाला. और यहाँ पे जो फोरामेन होता है इस जगह पे, इसको कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन. इस जगह पे क्लियर नजर आ रहा है इस साइड पे, दिस इज द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन. ऑर्बिट की अगर बाउंड्रीज देखें तो उससे पहले ये बोन आ गई जाइगोमेटिक बोन, जिसको मोलर बोन भी कहते हैं. तो अब अगर ऑर्बिट की देखें बाउंड्रीज, तो सुपीरियर बाउंड्री आ गई ऑर्बिट की फ्रंटल बोन, मीडियल बाउंड्री आ गई किससे, सुपीरियरली आ गई फ्रंटल बोन से, और इन्फीरियरली आ गई फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से. इन्फीरियर बाउंड्री जो है इट इज फॉर्म्ड मीडियली बाय द बॉडी ऑफ मैक्सिला एंड लेटरली बाय द जाइगोमेटिक बोन. और लेटरल वॉल जो है या लेटरल बाउंड्री जो है इसकी ऑर्बिट की, दिस इज फॉर्म्ड सुपीरियरली बाय द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन और इन्फीरियरली बाय द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन. अब अगर ऑर्बिट को अंदर से देखें तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द एंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, ये वाला. इस एंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट के पीछे दिस इज द पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट. एंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट इस मैक्सिला का है, और ये जो पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट है ये इस लैक्रिमल बोन का है. ये और ये जो डिप्रेशन है इसके दरमियान में, इस डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है लैक्रिमल सैक. लैक्रिमल बोन से अगर हम पीछे जाएं तो ये वाली जो बोन है, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन, ये. और ऊपर जो नजर आ रही है, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन. तो नीचे की तरफ ये जो नजर आ रही है, दिस इज द मैक्सिला. ये जो नजर आ रही है बोन, ये वाली, ये सूचर है. इस सूचर से इधर इधर ये जो है, दिस इज द जाइगोमेटिक बोन. और ये जो नजर आ रही है, दिस वन इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड, ये वाला. और ऊपर ये सारी फ्रंटल बोन है. अगर यहाँ देखें इसके अंदर हमें ओपनिंग्स कौन कौन सी नजर आ रही है, ये जो ओपनिंग है इसके अंदर अभी ये स्टिक है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑप्टिक केनाल. इस ऑप्टिक केनाल के लेटरल साइड पे दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये. और ये वाला जो ओपनिंग है, ये वाली, दिस इज द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर. इसके अलावा ये जो दो फोरामेन नजर आ रहे हैं, दिस इज द एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन, और ये वाला आ गया पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन. और ये जो ओपनिंग नजर आ रही है सामने की तरफ, इसको हम कहते हैं एंटीरियर नेजल अपर्चर या फिर पेरिफॉर्म अपर्चर. इस पेरिफॉर्म अपर्चर की बाउंड्रीज क्या है, सुपीरियरली इट इज फॉर्म्ड बाय द नेजल बोन,
ये laterally it is formed by the body of maxilla और inferiorly भी it is formed by the body of maxilla. ये और ये जो elevation सी नजर आ रही है ये वाली this is called as the anterior nasal spine. ये जो ऊपर bone है this is the perpendicular plate of the ethmoid और ये जो पीछे bone है ये नीचे वाली तरफ ये वाली this is the vomer. ये वाली जो bone है नीचे की तरफ this hole is the अगर इसको posteriorly लेके जाएं तो ये वाली जो bone है पीछे की तरफ this is the vomer नीचे और ये आ गया superior nasal cone का और ये वाला आ गया middle nasal cone का दोनों जो है ना ethmoid bone की projections हैं inferior nasal cone का यहाँ नजर नहीं आ रहा और इसके अलावा lateral view में एक चीज रह गई थी ये जो space है ये वाली lateral view में ये रह गया था कि ये जो space है this is called as the infratemporal fossa ये वाला